हेलो फ्रेंड्स, थंबनेल और टाइटल पढ़ के आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये क्लिकबेट है। बिल्कुल भी क्लिकबेट नहीं है, बात बिल्कुल सही है। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं, इस तरह की वीडियोस ना ही मैं बनाना चाहता हूं, ना ही मैं इसमें पढ़ना चाहता हूं। लेकिन मैं हर एक वो काम करता हूं, हर एक वो अवेयरनेस लाऊंगा जिसमें किसी की मेहनत की कमाई बर्बाद हो रही हो, जिसमें अगर सीधे सीधे आम इंसान पर नुकसान पहुँच रहा हो। तो आज इसीलिए ये टॉपिक को मैंने उठाया है। न्यूज़ कहीं बाहर आपने हो सकता है सुनी हो, या फिर ना सुनी हो, या फिर अंदर ही दबी रह गई हो। मुद्दा क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। स्कॉर्पियो एन में प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से कंपनी ने गाड़ी की सेल करने से रोक दिया है। कंपनी ने कह दिया अभी नहीं सेल करेंगे, बाद में सेल करेंगे, या फिर जो भी करेंगे, नो आइडिया कब करेंगे। गाड़ी में प्रॉब्लम क्या है, कुछ सॉफ्टवेयर इशू है, कुछ पार्ट्स चेंज हो रहे हैं, ऑयल सम चेंज हो रहा है, ऑयल असेंबली चेंज हो रही है। लेकिन इतने दिन गाड़ी चलने के बाद जब ये प्रॉब्लम आ रही थी तो पहले हाईलाइट क्यों नहीं किया गया। लेकिन एक चीज़ और अच्छी है इसमें, कंपनी की बहुत अच्छी बात है कि कंपनी में तुरंत उस चीज़ को सेल को रोक दिया, और अगर ऐसा है तो वो उसको रेक्टिफाई करेंगे तब कस्टमर को देंगे। नहीं तो होगा क्या कि लोग लेते चले जाएंगे और बाद में प्रॉब्लम आएगी और फिर एक एक करके लाइन लग जाएगी सर्विस सेंटर पे। अच्छी बात है रोक दी गई है। अब ये कितना सही है कितना नहीं है इसमें आगे जाएंगे, लेकिन पहले इतना समझ लीजिए, मैंने हर बार आपको कहा है जब भी कोई नई गाड़ी प्लान करते हैं, पहले उस गाड़ी की PDI कीजिए। गाड़ी बिल्कुल सही है नहीं है उसको चेक कीजिए, और इस PDI के लिए आपको कहीं ऐसा एक्स्ट्रा भागदौड़ की ज़रूरत नहीं है। कैसे करनी होती है, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो में बता रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ जाके इसको चेक कर सकते हैं। मेन मुद्दे की बात, एक तो PDI करना है, दूसरा पेमेंट कभी भी आपको पहले नहीं देनी है। और यहाँ पे यही गलती हो गई, पेमेंट पहले दे दी गई। पेमेंट आपको पहले नहीं देनी है जब तक कि आप श्योर ना हो जाओ कि मुझे ये गाड़ी लेनी है और आज मैं इसकी PDI कर चुका हूँ और आज ही मैं गाड़ी लेके जाऊँगा। मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि लोग टाइम बचाने के लिए एक दिन पहले पेमेंट करते हैं। जैसे कल गाड़ी लेनी है तो आज पेमेंट कर देते हैं, सारा कुछ ओके रहेगा, कल आके सिर्फ गाड़ी ले जाना होगा, केक वेक काट के, फोटो खिंचा के, अच्छे से गाड़ी फ्रेम में लगा के ले जाएंगे। सबसे बड़ी मिस्टेक, उस दिन टाइम लगेगा, उस दिन का आप पूरा दिन लेके आइए, पूरा दिन लीजिए, डॉक्यूमेंटेशन कीजिए, हैंड टू हैंड पेमेंट कीजिए, फॉर्म 22 दीजिए और फिर गाड़ी को लेके आइए। बाकी इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो है उसमें सारी डिटेल बता रखी है मैंने कैसे करना है। अब इस पॉइंट पे मैं आज बात क्यों करने लगा, ये बात आज मैं इसलिए उठाने लगा जबकि ये मेरा कुछ लेन देन नहीं था इससे। नॉर्मली इस तरह के टॉपिक में इंक्लूड नहीं होता, लेकिन इंक्लूड में तब हो जाता हूँ जब मेरे सब्सक्राइबर की बात आती है। हमारे ही एक फैमिली के सब्सक्राइबर के साथ ऐसा हुआ, उन्होंने गाड़ी बुक की, गाड़ी लेने गए, सैटरडे को पेमेंट कर दी और संडे को जाते हैं गाड़ी लेने। उन्होंने भी ऐसा ही किया कि अपना टाइम बचाने के लिए पहले पेमेंट कर देता हूँ और कल आके आराम से डिलीवरी ले लूँगा। लेकिन जैसे ही इनकी पेमेंट हो जाती है, बस थोड़ी ही देर बाद फ़ोन आता है उनके पास डीलरशिप का। डीलरशिप से कहा जाता है कि साहब इस गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम है, इस गाड़ी नहीं, महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के सभी पेट्रोल वेरियंट्स में प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम के चलते कंपनी ने अभी सेल करने से रोक दिया है। एक्यूरेट क्या लिखा है उन्होंने, मैं एक बार आपको मेल पे दिखा देता हूँ। गाड़ी पहले साइड लगाता हूँ फिर तसल्ली से बात करते हैं। जी वाइट स्ट्रिप के बिल्कुल किनारे कर लेंगे हम गाड़ी यहाँ पे। मेल का स्क्रीनशॉट मैं आपको भी लगा दूंगा, मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। और उस मेल के बाद मेरी कॉल पे भी उनसे बात हुई तो उन्होंने सारी चीज़ें मुझे बताई हैं। ये मेल आया मेरे पास 29 जनवरी को हिमाचल प्रदेश से। डियर सर, फ्यू डेज बैक इन्होंने स्कॉर्पियो एन Z4 बुक की थी, लेकिन Z4 वहाँ अवेलेबल नहीं थी। इसी शोरूम के दूसरी ब्रांच जो कि 120 किलोमीटर दूर थी, वहाँ पे Z8 मॉडल अवेलेबल था। ठीक है, अब ये जाते हैं गाड़ी को चेक करते हैं, चेक करने के बाद डिसाइड करते हैं कि हाँ ये गाड़ी मुझे ले लेनी है। अब होता यह है कि वो गाड़ी 120 किलोमीटर चलकर इनके शहर वाले शोरूम पे आ जाती है। डिसाइड होता है कि इस गाड़ी की डिलीवरी हम संडे को लेंगे और पेमेंट आज सैटरडे को ही कर देते हैं। डीलरशिप का कहना है ठीक है कर दीजिए। सैटरडे को इन्होंने पेमेंट कर दिया, संडे के दिन इनको डिलीवरी लेनी थी। गलती की, मिस्टेक की। जैसे इनका पेमेंट हो जाता है, कुछ घंटों बाद इनके पास फोन आता है डीलरशिप का कि सर एक्चुअल में ये गाड़ी हम आपको सेल नहीं कर सकते, गाड़ी के अंदर कुछ सॉफ्टवेयर इशू है, इसकी वजह से कंपनी ने इसको सेल करने से मना कर दिया है। और ये सिर्फ आपकी गाड़ी में नहीं है, जितने भी स्कॉर्पियो एन के पेट्रोल वेरियंट्स आ रहे हैं सभी में ये प्रॉब्लम है, इस वजह से ये गाड़ी आपको नहीं दे सकते। जिस दिन इन्होंने मेल लिखी है उस दिन 11 दिन हो चुके हैं, 100 बार ये कम से कम महिंद्रा को फोन कर चुके हैं। अब ये वो लोग बोलते हैं कि सॉफ्टवेयर इशू का तो ठीक है, हम ऑयल असेंबली गाड़ी की चेंज करेंगे उसके बाद आपको देंगे, उसके लिए भी उन्होंने 3 दिन मांगे हैं। अब इतने ही दिनों में इनका क्या होता है, जो 14 लाख रुपए थे वो बैंक से लोन कराए थे, बैंक लोन वहां ट्रांसफर हो गया तो बैंक में तो लोन चल गया।
अब ईएमआई आने वाली है इनकी, इनकी फर्स्ट ईएमआई पेबल हो रही है जबकि इनके पास व्हीकल ही नहीं है। अब ये कह रहे हैं मुझे ईएमआई देनी पड़ेगी मेरे पास जबकि गाड़ी भी नहीं आई है। अब मुझे नहीं पता कि क्या करना चाहिए, मुझे ये गाड़ी लेनी चाहिए या मुझे वेट करना चाहिए या फिर उनको बोलना चाहिए कि आप मुझे दूसरी गाड़ी बदल के दो। ये जो फर्स्ट ईएमआई आ रही है ये ईएमआई कौन पे करेगा, महिंद्रा पे करेगा या फिर कस्टमर पे करेगा? अब मुझे क्या करना चाहिए, प्लीज़ मुझे गाइड करें। इसलिए मेरे पास मेल आया। तो अब जब मेरी इनसे कॉल पे बात हुई, कॉल पे इन्होंने सारी डिटेल बताई कि ऐसा ऐसा हुआ, मुझे क्या करना चाहिए, तो मैंने इनको सीधा सा सलूशन दिया, भाई साहब आप महिंद्रा को बोलिए मुझे ये गाड़ी नहीं चाहिए, जब इस गाड़ी में प्रॉब्लम है और आप ऑयल असेंबली चेंज कर रहे हैं और उसके बाद दो तीन और पार्ट भी चेंज कर रहे हैं, वो भी उन्होंने फुटेज लेके रखी हुई है क्या क्या पार्ट चेंज कर रहे हैं, अब इसके बाद गाड़ी में प्रॉब्लम आएगी नहीं आएगी नॉट श्योर, आप सीधा सीधा हमारे पैसे वापस कर दीजिए और ये जो बैंक लोन को क्लोज़ करने में पेनल्टी पड़ रही है वो पेनल्टी आपको देनी चाहिए, क्योंकि फॉल्ट कस्टमर का तो है नहीं, वो तो पैसे लेके आपसे गाड़ी लेने गए थे, ये जितना भी केस हुआ ये आपने बनाया, तो इसका सीधा सीधा पेनल्टी जो भी बनती है वो आपको देनी चाहिए। लेकिन अभी इस केस में आगे कुछ हुआ नहीं है, सॉल्व हुआ मामला या नहीं हुआ वो मैं आपको आगे बता दूंगा आने वाली वीडियोज़ में, लेकिन मेन मुद्दे की बात यहीं आती है कि ठीक है गाड़ी बंद हो गई कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी के अंदर कोई फॉल्ट आया हमें उससे लेना देना नहीं है, आ रहा है नहीं आ रहा है नहीं पता, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उन लोगों ने गाड़ी, कई बार डीलरशिप वाले ब्लैक करने की वजह से गाड़ी को बोल देते हैं साहब इसमें ये प्रॉब्लम है आप ये ले लो, वो गाड़ी किसी और को दे दी, या फिर ये गाड़ी पहले से ही फॉल्टी खड़ी हो और उसमें कुछ फॉल्ट हो ना देना हो इसलिए कुछ बोला हो, वट एवर नो आइडिया, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, जो सेल्समैन ने इनको बोला और इन्होंने मुझे बताया वो मैं आप तक बता रहा हूँ, मेल भी है बकायदा उन्होंने सब कुछ दिया है, लेकिन इसमें गलती यही हुई कि पेमेंट पहले दे दी गई, अगर पहले पेमेंट नहीं दी होते तो क्या होता, गाड़ी में प्रॉब्लम आए बंद हो जाए नहीं फ़र्क पड़ता, पैसे हमारी जो मेहनत की कमाई है हमारे पास है, हम ये गाड़ी नहीं कोई और गाड़ी ले लेंगे या फिर उसी में जाके दूसरा कोई मॉडल ले लेंगे, महिंद्रा की लेनी है तो दूसरे मॉडल कुछ ले लेंगे। लेकिन अब जब ये पैसे फंस गए और पैसे फंसने के बाद ईएमआई भी इनको देनी पड़ रही है, ये थोड़ी सी तकलीफ़ देने वाली बात है, क्योंकि इसमें इनकी गलती नहीं है, इन्होंने तो पैसे दिए हैं, गलती कंपनी की है या फिर डीलरशिप की है जिसकी भी हो, अभी कंपनी ने एक्चुअल में इसको बंद कर दिया है सेल करना या नहीं किया है, फॉल्ट आया है नहीं आया है नहीं पता, लेकिन जो डीलरशिप ने बोला है वो हम आपको बोल रहे हैं, अब इसके ऊपर महिंद्रा को देखना चाहिए कि एक्चुअल में सच क्या है, जो भी है कम से कम इनके पैसे वापस दिए जाएं या तो इनको एक नई गाड़ी दी जाए। फिलहाल आज की इस वीडियो को मैंने बनाया था सिर्फ अवेयरनेस के लिए, कभी भी गाड़ी प्लान करते हैं इन पॉइंट्स का जरूर ध्यान दीजिए, एक बार पैसे आपकी जेब से निकल गए तो कोई बड़ी कंपनी हो या कोई भी हो फिर कोई नहीं पूछता जी, पैसे आपके गए ना फिर चक्कर आपको ही लगाने पड़ते हैं, लाइए ये दे दीजिए लाइए वो दे दीजिए, तो इससे पैसे पहले अपने पॉकेट में रखिए, लास्ट में जब गाड़ी ले लें हैंडओवर कर लें एक हाथ दे और एक हाथ ले वाला काम कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में अगर कुछ अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, अभी भी मन में सवाल कुछ रह गया हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर अगर चाहें तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। और हाँ एक मुद्दे की बात, इस वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, आपके शेयर करने से किसी एक भाई तक अवेयरनेस आएगी तो कोई अपनी मेहनत की कमाई को यूं ही जाने नहीं देगा, कोई अपनी मेहनत की कमाई बचा पाएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।